हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एडीसी एंड डीएसी कन्वर्टर, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, जैसे कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स यानी कि एडीसी एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स यानी कि डीएसी। ये दोनों हमारे कन्वर्टर से जो कि एक टाइप के सिग्नल को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं। अभी आप पूछोगे कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके बारे में हम आज इस फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक एप्लीकेशन से। आप बहुत सारे ऐसे कन्वर्टर यूज करते हो डेली लाइफ में जिसमें एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो हम एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई एक पर्सन है जिसके पास कुछ स्पीच है या ऑडियो सिग्नल है और उसे ये ऑडियो सिग्नल को रिकॉर्ड करना है। ओके, तो रिकॉर्डिंग के लिए वो क्या यूज करेगा? जो भी कोई पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जिसे अपनी स्पीच रिकॉर्ड करनी है, तो उसके पास क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए माइक्रोफोन जिसे वो रिकॉर्ड कर सके। तो एक माइक्रोफोन हो गया। माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है जो एक टाइप के सिग्नल को दूसरे टाइप के सिग्नल में कन्वर्ट करता है, यानी कि एक ट्रांसड्यूसर है। माइक्रोफोन स्पीच या ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, यानी कि ये एक ट्रांसड्यूसर है। इसमें जो ऑडियो सिग्नल आएगा, उस ऑडियो सिग्नल में वाइब्रेशन होगा जिसकी वजह से उस ऑडियो सिग्नल में प्रेशर होगा, जिसकी वजह से ये जो माइक्रोफोन है इसमें लगा हुआ डायाफ्राम वाइब्रेट करता है और उसी वाइब्रेशन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं ये बहुत ही कम एम्पलीट्यूड के होते हैं इन टर्म्स ऑफ माइक्रोवोल्ट, और अगर अच्छा माइक्रोफोन है तो माइक्रोवोल्ट टू मिलीवोल्ट ये सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इसको आपको डायरेक्टली अगर स्पीकर में अप्लाई करना है तो आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड बहुत ही कम है, तो इसे एम्पलीफाई करना पड़ता है। एम्पलीफाई होके ये जो सिग्नल होता है इसमें जो नॉइज होता है उस नॉइज को रिमूव करने के लिए हम इस पे प्रोसेसिंग, नॉइज कैंसिलेशन प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है, उसमें एक आ जाएगा एम्पलीफायर। यहाँ पे जो एम्पलीफायर है एक टाइप का ऑडियो पावर एम्पलीफायर है। ओके, जिसमें ऑडियो सिग्नल हम अप्लाई करेंगे तो ये उसे एम्पलीफाई करके हमें आउटपुट में देगा। जो ये आउटपुट सिग्नल है, इस आउटपुट सिग्नल में आपको जो सिग्नल मिलेंगे वो एक टाइप के एनालॉग सिग्नल होंगे। ओके, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें से जो हमें सिग्नल मिलेगा वो ऑडियो सिग्नल एनालॉग फॉर्म में होगा। अगर आपको इसे प्रोसेस करना है विद द हेल्प ऑफ योर कंप्यूटर, ओके, तो वो आप डायरेक्टली प्रोसेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारा कंप्यूटर है वो डिजिटल डेटा पे वर्क करता है, एक डिजिटल डिवाइस से। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक ब्लॉक यूज करेंगे जिसे बोलेंगे एडीसी, जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो जो भी आपके पास डिवाइस है उसमें इस तरह के एक ब्लॉक होते हैं जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे जो एडीसी का आउटपुट मिलेगा वो डिजिटल सिग्नल मिलेगा। अब जो आपके पास डिजिटल सिग्नल है वो होगा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी 010101 में। तो अगर आपको इस डिजिटल डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करना है तो आप इजीली कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो, और एक बार आपने कंप्यूटर में स्टोर कर दिया तो उसे प्रोसेस करना भी बहुत इजी हो जाएगा। फिर आपके पास जो भी ऑडियो प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर है उसमें आप डाल के इस जो भी आपका ये स्पीच है और ऑडियो सिग्नल है इसे इजीली प्रोसेस कर सकते हो। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस रहता है जिसमें हम जो ऑडियो सिग्नल रिकॉर्ड करते हैं उस ऑडियो सिग्नल को हम प्रोसेस करते हैं और कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। ओके, तो ये जो पूरा एडीसी का ब्लॉक है ये वर्क करेगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन में। ओके, इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमारे पास कोई एक कंप्यूटर में जो ऑडियो सिग्नल है इस ऑडियो सिग्नल को हमें स्पीकर में अप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होगा वो फिर से डिजिटल में होगा। तो आपको कंप्यूटर से जो भी सिग्नल मिलते हैं वो कैसे मिलेंगे, डिजिटल सिग्नल मिलेंगे। ओके, इस डिजिटल सिग्नल को अगर आपको डायरेक्टली स्पीकर में अप्लाई करना है तो स्पीकर डिजिटल पे वर्क नहीं करता है, तो इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डीएसी यूज करना पड़ेगा, जो कि इस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके देगा। और जो ये एनालॉग सिग्नल है इसे हम इजीली स्पीकर में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां आ जाएगा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर और यहां आउटपुट मिलेगा आपको एनालॉग सिग्नल।
अब जो ये एनालॉग सिग्नल है वो तो कंप्यूटर से जनरेट हुआ है, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड फिर से कम होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे एम्पलीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक एम्पलीफायर का ब्लॉक रख देते हैं जो कि इस एनालॉग सिग्नल को एम्पलीफाई करके बड़े स्पीकर में अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लेवल का बना देगा। तो यहाँ पे आप एम्पलीफाइड आउटपुट है एनालॉग फॉर्म में, उसे स्पीकर से अटैच कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा स्पीकर। तो यहाँ पे जो आपका स्पीकर है वो इस ऑडियो सिग्नल को, जो एम्पलीफाइड ऑडियो सिग्नल है, उसे फिर से ऑडियो सिग्नल से स्पीच इलेक्ट्रिकल सिग्नल से, तो ये जो स्पीकर है वो जो यहाँ पे एम्पलीफाइड आउटपुट था वो तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा, एनालॉग सिग्नल है, और इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, यानी कि ये फिर से आपका एक ट्रांसड्यूसर है। ये जो ट्रांसड्यूसर है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेंगे, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडियो सिग्नल या स्पीच सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से आप डीएसी ब्लॉक का यूज करके ये जो कंप्यूटर में स्टोर डेटा है उसको स्पीकर में अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारे रियल लाइफ का एग्जांपल है जिसमें हम कंप्यूटर या मोबाइल में कोई भी डेटा स्टोर करते हैं और ये जो डेटा होता है वो एनालॉग फॉर्म में होता है, और उसी डेटा को फिर से हम स्पीकर में सुनते हैं, और उसमें जो स्पीकर में डेटा सुनाई, जो सॉन्ग या स्पीच सुनाई देती है वो आपको एनालॉग फॉर्म में मिलती है। तो मोबाइल या कंप्यूटर में इस तरह के ब्लॉक होते हैं जिसे एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर बोला जाता है। तो आप पूछोगे कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, अभी आपको क्यों एनालॉग में कन्वर्ट करना है, क्यों डिजिटल में कन्वर्ट करना है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। नीड ऑफ कन्वर्शन, क्योंकि हमारे पास जो नेचुरल सिग्नल होते हैं जैसे कि वोल्टेज, करंट, प्रेशर, टेम्परेचर, पावर, साउंड, वेलोसिटी, ये सभी सिग्नल एक तरह के एनालॉग सिग्नल है। ओके, तो अगर हम एनालॉग सिग्नल की बात करें तो एनालॉग सिग्नल में कंटिन्यूअस टाइम एंड कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड होता है। अभी इस कंटिन्यूअस टाइम और कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड का मीनिंग क्या होगा, हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कोई एक सिंपल एनालॉग सिग्नल की बात करें जो कि फॉर एग्जाम्पल वोल्टेज का है, ओके, जो कुछ इस तरह से साइनोसॉइडल सिग्नल है विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी, यहाँ पे होगा जीरो और ए है मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज, फॉर एग्जाम्पल प्लस वी मैक्स हम इसे बोलेंगे, और फॉर एग्जाम्पल ए है हमारे माइनस वी मैक्स वोल्टेज। ओके, तो ये एनालॉग सिग्नल है। अभी इस एनालॉग सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें कंटिन्यूअस टाइम है, यानी कि हमें कंटिन्यूअस जीरो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 180 और यहाँ पे 360, तो जीरो से लेके 360 तक आप जाओगे तो यहाँ पे कंटिन्यूअस टाइम में आपको अलग अलग एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिलेगी। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, इनिशियली इसकी वैल्यू जीरो थी, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे आओगे तो 180 पे फिर से जीरो हो गए, यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे फिर से मैक्सिमम बट इन नेगेटिव हो गए, यहाँ पे 360 पे फिर से जीरो हो गए। तो आप जितने यहाँ पे अलग अलग इंस्टेंट टाइम इंस्टेंट पे अलग अलग आप वैल्यू देखोगे तो एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअस चेंज होता है। ओके, और कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड मिलता है तो इस तरह के सिग्नल को हम एनालॉग सिग्नल बोलते हैं जिसमें कंटिन्यूअस टाइम पे कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड मिलता है। ओके, तो ये हमारे पास जितने भी यहाँ पे जो सिग्नल है वोल्टेज के, करंट के, प्रेशर के, टेम्परेचर के, पावर के, साउंड और वेलोसिटी का जो सिग्नल होता है वो एनालॉग सिग्नल होता है। और एक दिक्कत होती है कि ये जो सिग्नल है वो हमें किसी ना किसी एक ट्रांसड्यूसर से मिलते हैं, तो जो ट्रांसड्यूसर होते हैं उसके जो आउटपुट होते हैं वो एनालॉग सिग्नल ही होते हैं। ओके, जैसे कि माइक्रोफोन है या स्पीकर है, तो इसके जो सिग्नल होंगे वो एनालॉग सिग्नल होंगे। इस एनालॉग सिग्नल में हमें यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज मिल सकती है, एम्पलीट्यूड इसका जो है इसमें आपको इनफाइनाइट डिफरेंट वैल्यूज मिल सकती है, तो इसकी वजह से इसमें जो नॉइज आने के चांसेस है वो नॉइज के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। ओके, जबकि हमारे पास जो डिजिटल सिग्नल होता है उस डिजिटल सिग्नल में हमारे पास डिस्क्रीट टाइम पे डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड होता है, फॉर एग्जाम्पल बाइनरी सिग्नल। ये जो डिजिटल सिग्नल है जैसे कि बाइनरी सिग्नल, तो बाइनरी सिग्नल एक टाइप का डिजिटल सिग्नल है जिसमें दो ही वैल्यू है, आइदर जीरो और वन। ओके, तो डिस्क्रीट टाइम है, डिस्क्रीट टाइम का मीनिंग क्या होगा, जब भी आप देखोगे तो कोई एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, फिर से इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, फिर से आप देखोगे तो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, फिर से इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, कोई पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, तो इसे बोलेंगे डिस्क्रीट टाइम। ओके, कंटिन्यूअस टाइम नहीं है, डिस्क्रीट टाइम है, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए 1 to 2 यहाँ पे आउटपुट में जीरो मिलेगा,
तो इसे हम डिस्क्रीट टाइम बोलेंगे। और डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड, कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड हमें नहीं मिल रहा है, कुछ टाइम पीरियड के लिए इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, तो इसे बोलेंगे डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड। तो ये जो हमारे डिजिटल सिग्नल होते हैं इसमें दो ही वैल्यू है। फॉर एग्जांपल बाइनरी वैल्यू की बात करें तो बाइनरी सिग्नल में हमारे पास दो ही स्टेट है, आइदर जीरो और वन, और इस जीरो और वन में जो नॉइज आने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम हो जाती है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एनालॉग सिग्नल में एन इज इक्वल टू हमारे पास 16 डिफरेंट वैल्यूज है, ओके okay? तो इसमें जो चेंजेस होने का चांस है वो ज्यादा रहता है, क्योंकि 16 वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू चेंज हो सकती है और चेंज होके कोई भी एक अलग वैल्यू मिल सकती है। ससेप्टेबिलिटी टू नॉइज है वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है, जबकि यहाँ पे जो हमारे पास सिग्नल है उसमें दो ही वैल्यू है, आइदर जीरो और वन। तो यहाँ पे चेंजेस होगा तो चेंजेस होके क्या हो सकता है, जीरो से वन हो सकता है या वन से जीरो हो सकता है, यानी कि यहाँ पे जो नॉइज का चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाता है, यानी कि जो डिजिटल सिस्टम है या डिजिटल सिग्नल है तो उसमें नॉइज आने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो ये था हमारा बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। और यहाँ पे डिटेल में बात करें तो जो डिफरेंस होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। यहाँ पे जो एनालॉग सिग्नल होते हैं, इस एनालॉग सिग्नल को अगर हमें स्टोर करना है देन दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर द एनालॉग सिग्नल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एम्पलीट्यूड होते हैं या वैल्यू होती है जिसे हमें स्टोर करना होता है, तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है एनालॉग सिग्नल को स्टोर करना, जबकि यहाँ पे डिजिटल सिग्नल में स्टोर करना बहुत ही इजी होता है, क्योंकि इस डिजिटल डेटा को अगर हमें कंप्यूटर में या मेमोरी में स्टोर करना है तो सिर्फ दो ही वैल्यू है जिसे हम इजीली स्टोर कर सकते हैं, तो स्टोर करना डिजिटल सिग्नल को बहुत ही इजी हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। अगर आपको एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करना है तो इसके लिए आपको इसे स्टोर करना पड़ेगा किसी एक डिवाइस में, और प्रोसेस करने के लिए आपको यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या प्रोसेसिंग के लिए स्टेज रखने पड़ेंगे, जबकि यहाँ पे डिजिटल डेटा को प्रोसेस करना बहुत ही ईजी होता है। इसीलिए हम ये जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल है, नेचुरल एनालॉग सिग्नल है, इस नेचुरल एनालॉग सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, फिर डिजिटल में प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करके फिर से डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इसके लिए हमें एडीसी और डीएसी की रिक्वायरमेंट है। एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे एडीसी का, और फिर से जब प्रोसेस हो जाएगी तो प्रोसेस करके फिर से हम डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट करके इसे फिर से एनालॉग में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारा सिग्नल है वो यूज होता है, तो इसके लिए हमें एडीसी और डीएससी की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए देखते हैं कि अब हम किस तरह से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हम एक बेसिक सिंपल सा प्रोसेस देखेंगे जिसमें एनालॉग सिग्नल को हम डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक एनालॉग सिग्नल है, उस एनालॉग सिग्नल को आपको डिजिटल में कन्वर्ट करना है, तो जो बेसिक प्रोसेस है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होती है, और हम उसे उस 4 स्टेप को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो आपके पास एनालॉग सिग्नल है, इस एनालॉग सिग्नल को हम फर्स्ट सैंपल एंड होल्ड सर्किट से सैंपल करेंगे। ये जो सैंपल्ड आउटपुट मिलेगा उसे हम क्वांटाइजेशन ब्लॉक में अप्लाई करेंगे, तो ये क्वांटाइजेशन ब्लॉक है वो उसे क्वांटाइज करके अलग अलग वैल्यू पे इंडिकेट करेगा, जो कि एक एनालॉग वैल्यू होगी। इस एनालॉग वैल्यू को हम फिर एनकोडर की मदद से डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे, और जो एनकोडर है इसका आउटपुट आपको डिजिटल मिल जाएगा। तो ये 4 ब्लॉक है जिसमें फर्स्ट है सैंपल एंड होल्ड सर्किट, देन क्वांटाइजेशन, देन एनकोडिंग, तो उससे आपको मिल जाएगा डिजिटल सिग्नल। अभी हम इसको डिटेल में देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल है वो एनालॉग सिग्नल कुछ इस तरीके से है। फिर से हम साइनोसॉइडल सिग्नल का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको अच्छे से पता चले। ये हमारा एनालॉग सिग्नल है जिसे हमें डिजिटल में कन्वर्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 2 है, ओके okay? तो इस एनालॉग सिग्नल को हमें डिजिटल में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 2, और यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है फॉर एग्जांपल -2, ओके okay? और इसे हमें डिजिटल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए फर्स्ट जो ब्लॉक है इसका नाम है सैंपल एंड होल्ड सर्किट। ये क्या करेगा, ये जो सिग्नल है इसे मल्टीपल सैंपल लेगा और उसे होल्ड करके, ये जो सर्किट है उसे एक बार सैंपल लेगा, फिर नेक्स्ट पोर्शन में थोड़ा पोर्शन नहीं यूज करेगा, फिर से एक सैंपल लेगा, तो मल्टीपल सैंपल लेगा, तो उसे जो इसका आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा।
तो ये सैंपल एंड होल्ड सर्किट इस तरह के जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उसमें थोड़ा टाइम ऑन रहती है, फिर ऑफ हो जाती है, फिर से ऑन रहती है, फिर से ऑफ हो जाती है, फिर से ऑन ऑफ इस तरह से मल्टीपल सैंपल में इस सिग्नल को कन्वर्ट कर देती है। अभी जो ये जो सैंपल एंड होल्ड सर्किट का आउटपुट है इसे हमें क्वांटाइजेशन ब्लॉक में अप्लाई करना है। तो क्वांटाइजेशन ब्लॉक क्या करेगा, ये जो सिग्नल है उसमें से इक्विवेलेंट कोई एक एनालॉग वैल्यू आइडेंटिफाई करेगा। तो फॉर एग्जांपल ये जो सैंपल एंड होल्ड सर्किट का आउटपुट है इसे हम क्वांटाइजेशन में अप्लाई करेंगे तो आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जिसमें क्वांटाइजेशन ब्लॉक ने इसको अलग अलग एनालॉग वैल्यू पे डिफाइन कर दिया है। फॉर एग्जांपल इससे यहाँ पे एक सिग्नल ले लिया, यहाँ पे से एक सैंपल ले लिया, यहाँ से एक सैंपल ले लिया, यहाँ से एक सैंपल, यहाँ से और यहाँ से। तो इस तरह से ये अलग अलग सैंपल लेगा और इसकी इक्विवेलेंट एनालॉग वैल्यू बताएगा। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एम्पलीट्यूड है 1, यहाँ पे है फॉर एग्जांपल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2, यहाँ पे फिर से प्लस 1, तो ये पॉजिटिव में प्लस 1 एंड प्लस 2 है, यहाँ पे आएगा तो 0 है, यहाँ पे है माइनस 1 फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे मैक्सिमम है फॉर एग्जाम्पल माइनस 2। तो ये जो क्वांटाइजेशन ब्लॉक है ये इस सैंपल एंड होल्ड सर्किट के आउटपुट को इस तरह से अलग अलग एनालॉग वैल्यू में डिफाइन कर देता है। ओके, तो ये जो आउटपुट हमें मिला है वो अलग अलग टाइम पीरियड पे है, फॉर एग्जाम्पल T1, T2, T3, T4 सिमिलरली। ओके, तो इस तरह से आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग सैंपल्स मिलेंगे और इस सैंपल की वैल्यू है वो एनालॉग वैल्यू है। अगर आप इस एनालॉग वैल्यू को एनकोडर की मदद से कन्वर्ट करके डिजिटल में करते हो तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो डेसिमल में है, तो यहाँ पे अगर आप इस डेसिमल वैल्यू को डेसिमल टू बाइनरी कोड कन्वर्टर का यूज करके बाइनरी में कन्वर्ट करते हो तो ये जो हमारा एनकोडर है वो एक टाइप का कोड कन्वर्टर है जो कि डेसिमल डेटा को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट सैंपल पे वैल्यू मिली थी 0, तो इसका 3-bit बाइनरी क्या होगा 000 होगा। ओके, नेक्स्ट T1 टाइम पे हमें एक सैंपल मिला था जिसमें वैल्यू थी 1, तो इसका बाइनरी होगा 001। नेक्स्ट T2 टाइम पीरियड पे हमें एक वैल्यू मिली थी 2, तो इसका बाइनरी होगा 010। थर्ड T3 टाइम पीरियड पे हमें एक वैल्यू मिली थी 001। नेक्स्ट T4 टाइम पीरियड पे एक सैंपल मिला था जिसकी वैल्यू थी 0, तो इसका बाइनरी होगा 000। इसी तरीके से आप ये जो एनालॉग सिग्नल है इसकी डेसिमल एम्पलीट्यूड को या वैल्यू को डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कोड कन्वर्टर। तो यहाँ पे हमें डेसिमल वैल्यू से बाइनरी वैल्यू मिल गई है जो कि एक डिजिटल सिग्नल है, लेकिन यहाँ पे जो सिग्नल हमें मिला है वो 3-bit के सैंपल में है। अगर आपको इसे पैरेलल डेटा से सीरियल डेटा में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है आप यूज कर सकते हो पीसो रजिस्टर, जिसका फंक्शन क्या था, पैरेलल इन एंड सीरियल आउट। तो यहाँ पे आप पैरेलल डेटा इन करोगे तो आपको आउटपुट में डेटा सीरियल में मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आप जो पैरेलल डेटा है इसे यूज करोगे तो आपको फर्स्ट मिलेगा 000, देन सेकंड आउटपुट मिलेगा पीसो रजिस्टर का 001, तो यहाँ पे 001 हो गया। नेक्स्ट है 010, तो 010 नेक्स्ट मिलेगा, 001 लास्ट है 000। तो इस तरीके से आपको जो पैरेलल डेटा था उससे सीरियली डेटा कुछ इस तरीके एक कुछ इस तरीके से एक स्ट्रिंग के डिजिटल स्ट्रिंग के फॉर्म में मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ पीसो रजिस्टर। ओके, हमने इस रजिस्टर के बारे में इसके पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये हो गया हमारा डिजिटल सिग्नल जिसमें दो ही स्टेट है, आइदर 0 और 1, जो कि इस डिजिटल सिग्नल की वैल्यू है और ये वैल्यू है इक्विवेलेंट टू एनालॉग सिग्नल। तो इस तरीके से आप जो आपके पास यहाँ पे एनालॉग सिग्नल है इस एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पे आप जितने ज्यादा सैंपल लोगे इतना ही आपका एक्यूरेट डिजिटल सिग्नल में डेटा मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे जो सैंपलिंग की प्रोसेस है इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। ये जो रिजोल्यूशन है ये इंडिकेट करता है कि एक सैंपल से आपको कितने बिट मिलेंगे, यानी कि रिजोल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ यूज किए है एन इज इक्वल टू 3-bit। ओके, तो हम यहाँ लिख देंगे एन इज इक्वल टू 3-bit। तो 3-bit से आपको यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं, डिफरेंट वैल्यू कितनी मिल सकती है, तो हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं 2^n, यानी कि 2^3 इज इक्वल टू 8 डिफरेंट सैंपल्स। तो यहाँ पे आप जो ये सिग्नल है इसको 8 अलग अलग सैंपल में डिवाइड कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 16 सैंपल में डिवाइड करना है, डिफरेंट 16 वैल्यू आपको यहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड पे चाहिए, तो आपका रिजोल्यूशन कितना होगा, रिजोल्यूशन इज इक्वल टू एन। तो यहाँ पे आपको 16 का
अलग अलग कॉम्बिनेशन चाहिए, तो 2:4 हियर n इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे अगर आप 4 से सैंपल करोगे तो आपको अलग अलग 16 कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे और आपको यहाँ पे उससे भी ज्यादा एक्यूरेट डिजिटल सिग्नल मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से आप ज्यादा n की वैल्यू रखोगे इतना ही एक्यूरेट डिजिटल सिग्नल आपको देखने को मिलेगा। ये जो रिजोल्यूशन है इसको आप अलग तरीके से भी इंडिकेट कर सकते हो, इसको आप इस तरह से भी इंडिकेट कर सकते हो कि रिजोल्यूशन इज इक्वल टू फुल स्केल रेंज, यानी कि FSR। ओके, फुल स्केल रेंज। ये फुल स्केल रेंज क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज टू मिनिमम वोल्टेज, फॉर एग्जांपल इसे हम मैक्सिमम VM बोलते हैं और VMAX बोलते हैं, और इसे फॉर एग्जांपल VMIN बोलेंगे, तो यहाँ पे फुल स्केल रेंज क्या होगी, VMAX माइनस VMIN डिवाइड बाय फुल स्केल रेंज डिवाइड बाय 2:n, यानी कि जितने भी आपके पास कॉम्बिनेशन है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे कॉम्बिनेशंस। ओके, तो रिजोल्यूशन इज इक्वल टू फुल स्केल रेंज FSR डिवाइड बाय 2:n। यहाँ पे फुल स्केल रेंज हमारे पास क्या है, VMAX माइनस VMIN डिवाइड बाय 2:n। ओके, तो इससे आपको क्या मिलेगा, रिजोल्यूशन मिलेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 3 बीट का रिजोल्यूशन रखते हैं। ओके, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा, और फॉर एग्जाम्पल आपकी फुल स्केल रेंज है FSR इज इक्वल टू 10 वोल्ट है। ओके, तो आपका रिजोल्यूशन क्या होगा, रिजोल्यूशन इज इक्वल टू FSR डिवाइड बाय 2:n, FSR डिवाइड बाय 2:n, तो यहाँ पे FSR क्या है, 10 वोल्ट है फुल स्केल रेंज, एंड n इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 8 आपको आउटपुट मिलेगा 1.25 वोल्ट का। तो इससे आपको इसका रिजोल्यूशन पता चलेगा। ये जो रिजोल्यूशन है ये इंडिकेट क्या करता है, ये इंडिकेट करता है मिनिमम चेंज इन द इनपुट विच कैन बी डिटेक्टेड बाय द एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यानी कि अगर आपको यहाँ पे 1.25 वोल्ट से कम का चेंजेस मिलेगा तो उसे वो डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। ओके, द मिनिमम चेंज इन द इनपुट, इनपुट में जो मिनिमम चेंज होता है जो कि एडीसी डिटेक्ट कर सकता है। ओके, इससे कम का चेंज होगा इनपुट में तो वो आपका एडीसी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 8 बीट है। ओके, n इज इक्वल टू 8 बीट है और आपकी FSR की वैल्यू फॉर एग्जांपल वही है। ओके, तो आपका रिजोल्यूशन क्या होगा, रिजोल्यूशन होगा FSR 10 का था और 2:8। ओके, n इज इक्वल टू 8 है तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी 39 मिलीवोल्ट, यानी कि ये जो वैल्यू है वो बहुत ही कम वैल्यू है। इस पे अगर आप इस रिजोल्यूशन को सेट करते हो और फिर एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हो तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्यूरेसी वाला डिजिटल सिग्नल मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर आप जितना ज्यादा रिजोल्यूशन रखते हो तो उतने ज्यादा बीट यूज करने पड़ेंगे डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, जिससे आपको मैक्सिमम एक्यूरेसी वाला डिजिटल सिग्नल मिल सकता है। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के अलग अलग जो टाइप है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे सकूं। थैंक यू वेरी मच।